Come on! अरे अरे जरा संभाल कर। Hey fighter, dude, हम यहाँ सिर्फ 3 दिन रहने वाले हैं। वैसे तुमने उन बैग्स में भरा क्या है? Kit bag, casual wear bag, smart wear bag, toiletry bag, hair dryer bag, fan mail bag और extra bag bag. एक मिनट, तुम extra bag रखने के लिए भी एक bag रखते हो, fighter? तुम नहीं रखते? वेलकम वेलकम सुपर स्ट्राइकर्स, मुझे यकीन है आपको हमारे खूबसूरत शहर में रहना अच्छा लगेगा। थैंक्स, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, खासकर जब हम कॉस्मोस को हराएंगे। सही कहा दोस्त, सही कहा दोस्त। और शेख, आपका बाकी का सामान कहाँ है? बस यही है। आपके पास एक एक्स्ट्रा बैग बैग भी नहीं? क्या हम लोग किसी दूसरी दुनिया में तो नहीं आ गए? नहीं टाइगर मेरे दोस्त, हम हैं लास वेगास में। ओह वाओ, कमाल है। ब्लॉ कैसे सफर में सो कैसे सकता है? वो तो कहीं भी सो सकता है। बेहतर होगा वो जल्दी जाग जाए, वरना वो दुनिया का सबसे शानदार शहर देख नहीं पाएगा। यकीन नहीं होता कि बड़ी वॉटकिंस ने खुद का एक बड़ा साइन लगवाया है। इसे कहते हैं शो ऑफ करना। तुम सब इस शहर को समझ ही नहीं पाए हो। वेगास का दूसरा नाम शोमैनशिप है और लग्जरी और 5-स्टार खाना। पता है यहाँ दुनिया का सबसे महंगा डिजर्ट मिलता है, एक 24-कैरेट गोल्डन संडे। कमाल है वेगास। लास वेगास का उस पर अच्छा असर नहीं हो रहा है। गया। बहुत अच्छे क्लाउस। बढ़िया संतुलन शेक। फाइटर शॉट सिंपल रखो। कम ऑन कोच, ये वेगास है, यहां पर दिखावा करना जरूरी है। जरा उनसे पूछिए। यार कॉस्मोस वालों ने तो हाफ टाइम शो के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर उन्होंने हमारी अगली प्रैक्टिस को खराब किया तो उनकी खैर नहीं। आज के लिए इतना काफी है। हम इतने ज्यादा शोर में ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं कर सकते, खासकर तुम फाइटर। कहाँ गया वो? हे फाइटर, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, 4 गेम्स में 3 गोल, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? इसके लिए जरूरी है सही तैयारी करना लीना। मैं बेहतरीन जगहों में रहता हूँ, बेहतरीन खाना खाता हूँ और बेहतरीन जगहों में ट्रेनिंग करता हूँ, फिर मैं बेहतरीन गोल्स करता हूँ। बहुत हुआ, हम इस पागलपन से दूर जा रहे हैं, अब बस भी करोगे? कोच इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? फाइटर को जिंदगी की जरूरतों से दूर कर रहे हैं। आप क्या करेंगे मिस्टर वॉटकिंस? वेल निंजा, मैं फाइटर को वो सब कुछ दूंगा जो उसे चाहिए। ये जरूर किसी तरह का गंदा मजाक है। और ये कमरा तो उससे भी गंदा है। ब्लॉक को भी कभी ऐसे बेकार गद्दे पर नींद नहीं आएगी। चल करो डूड, बस 2 ही रात की तो बात है। हाँ हाँ
हेलो रिसेप्शन, क्या आप प्लीज मुझे सुबह 6 बजे उठा देंगे? तुम अलार्म क्यों नहीं लगा लेते? क्या मुझे कम से कम रूम सर्विस मिल सकती है? बोलो क्या चाहिए? एक 24-कैरेट गोल्डन संडे एक्स्ट्रा गोल्डन स्प्रिंकल्स के साथ। गोल्डन संडे? बिल्कुल भी नहीं। बाप रे, इसमें पत्थर भरे हैं क्या? फाइटर, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। कैसे ध्यान दूं कोच, हम वेगस में हैं और आप हमें दे रहे हैं बेकार खाना, बेकार ट्रेनिंग फैसिलिटीज और रहने के लिए दुनिया की सबसे बेकार जगह। यहाँ अगर कुछ बेकार है तो वो है तुम्हारा एटीट्यूड। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो गेम में खेलना भूल ही जाना। मैं अपने लिए ये सब नहीं मांग रहा हूँ कोच, मुझे अच्छा खेलने के लिए अच्छी चीजें चाहिए। मैं ये अपनी टीम के लिए कर रहा हूँ। ओ अच्छा, तुम हमारे लिए दुनिया का सबसे महंगा डिजर्ट खाना चाहते हो? बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। हे पोनीटेल, मेरा नाम फाइटर है। हाँ, जो भी हो, तुम्हारे लिए एक पार्सल है। प्यारे फाइटर, ये मैसेज सिर्फ तुम्हारी आंखों के लिए है। मुझे अकेला छोड़ोगे? मैं समझ गया कि तुम्हें अच्छा खेलने के लिए अच्छी चीजें चाहिए होंगी, तो ये ले लो। वो समझते हैं। बाकी सबको मत बताना, मैं नहीं चाहता उन्हें लगे मैं पार्शियलिटी कर रहा हूं। ओ, किसी को नहीं बताऊंगा कोच। शेख, तुम्हारा रूममेट कहाँ है? मुझे नहीं पता कोच, प्रैक्टिस के बाद से उसे देखा नहीं। हेलो, मैं हूँ फाइटर, प्रोफेशनल फुटबॉलर और ऑलराउंड लेजेंड। सबसे करीबी लग्जरी होटल में जाकर देख लीजिए। वो जहाँ भी है वहीं रह सकता है। कम ऑन कोच, जानता हूँ फाइटर भले ही थोड़ा सा मतलबी है, ठीक है बहुत ज्यादा मतलबी है, पर उसके लिए गेम के आगे और कोई चीज जरूरी नहीं। ठीक है, जाओ ढूंढो उसे और जरा जल्दी आना, 3:30 बजे गेम शुरू हो जाएगा। अरे सुनो, वेगस का सबसे महंगा होटल कौन सा है? तुम उसी में खड़े हो। हाँ ठीक है, यहाँ का सबसे महंगा होटल है हेलो हेलो मिस्टर फाइटर, बकिंगहम पैलेस होटल के फ्रंट डेस्क से बोल रही हूँ। आपने कहा था ना 9 बजे जगाने को, क्या हम आपके लिए और कुछ कर सकते हैं सर? रहने की अच्छी जगह मिल गई है, अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिल गई हैं, तो अब बस मुझे चाहिए एक 24-कैरेट गोल्डन संडे एक्स्ट्रा गोल्डन स्प्रिंकल्स के साथ प्लीज। बहुत अच्छी चॉइस है सर, वो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। इस शहर में मेरी इतनी चलती है कि मैं वक्त भी तय कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच शेख। क्या शेख? उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि फाइटर यहाँ है। हाय, मुझे एक दोस्त से मिलना है जो शायद यहाँ ठहरा है, उसका नाम है। सॉरी सर, पर यहाँ बकिंगहम पैलेस होटल में हमारे मेहमानों की प्राइवेसी हमारे लिए सबसे जरूरी होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। शेख, शेख, क्या मुझे प्लीज अपना ऑटोग्राफ दोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम्हारा नाम क्या? हाँ, एक 24-कैरेट गोल्डन संडे।
क्या तुम्हें उसके बदले में मेरी जर्सी चलेगी? अगर जूते भी दोगे तो ये सौदा पक्का समझो। ये! फुटबॉल के लिए क्या क्या करना पड़ता है? फाइटर सर, आपका 24 कैरेट गोल्डन संडे एक्स्ट्रा गोल्ड स्प्रिंकल्स के साथ। थैंक्स, उसे वहीं रख दो। अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। मजेदार। तुम यहां पर कैसे आ गए? शेख मेरे दोस्त, तुम्हें क्या हो गया? शायद मुझे पता है फाइटर कहां है। बकिंगम पैलेस होटल में। मैंने कहा था। और तुम उन जगहों की सिक्योरिटी को तो जानते हो ना? पर मैंने उसके लिए एक मैसेज भेज दिया है। उसकी कोई जरूरत नहीं थी। अब तो वो चाहेगा तब भी मैं उसे फील्ड के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। मैच का वक्त हो गया इस रोशनी के शहर में। मैक, हमने गाने के बारे में क्या बात की थी? चलो भी ब्रेंडा, हम लास वेगास में हैं और मैं करूंगा अपनी तरह से कमेंट्री। वैसे आज के मैच में सबकी नजर फाइटर पर होगी, अगर वो गेम के लिए आया तो। हाँ, अभी तो उसकी जगह लैंकी को भेजा जा रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स का नंबर 20 तो बेंच तक भी नहीं आया है, अजीब बात है। और गेम शुरू। अब कुछ होने वाला है। क्या शॉट है, पर उसे बखूबी रोक दिया गया। इस गेम में एक क्लियर पैटर्न उभर रहा है। सुपर स्ट्राइकर्स अटैक करेंगे और कॉस्मोस डिफेंड। सुपर स्ट्राइकर्स को उन्हें पछाड़ने के लिए कुछ तो खास करना होगा। जरा बच के कॉस्मोस, फाइटर आज तुम सबकी छुट्टी कर देगा। हाँ? जरा वक्त देखो, तुम गेम मिस करने वाले हो शेख। हर अटैक को नाकाम कर दिया गया है। ओह, एक चांस मिला है। बड़ा ही अच्छा शॉट। पर एक बात है, कॉस्मोस का कुछ नहीं बिगड़ा। चलो चलो, मेरा किट बैग कहाँ है? बेकार प्राइवेट एलिवेटर, ये मुझसे नफरत क्यों करता है? मिस्टर फाइटर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मिस्टर फाइटर, हेलो। वो जगाने वाला कॉल, ये एलिवेटर, मुझे फंसाया गया है। नरम गद्दा, पर मैं आराम नहीं कर सकता, मेरी टीम को मेरी जरूरत है। भागने का प्लान। चलो भी, बेकार नर्म मुलायम रेशम की चादर। हेलो रिसेप्शन, क्या तुम प्लीज एक और गोल्डन संडे भेज सकती हो? साफ खत्म हो
होने में कुछ ही पल बचे हैं और सुपर स्ट्राइकर्स की बेचैनी बढ़ती जा रही है। हाँ, सारा वक्त बॉल उनके कब्जे में होते हुए भी वो अब तक एक भी गोल नहीं कर पाए हैं। निंजा को जगह मिल गई और उसने बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं किया। उनका काउंटर अटैक शुरू हो गया है। आराम से हो गया। कॉस्मोस स्टार का एक शानदार गोल। और वो ये जानता है, पर सुपर स्ट्राइकर्स के लिए सब गलत हो रहा है। फर्स्ट हाफ पर कब्जा होने के बाद भी वो एक भी गोल नहीं कर पाए। मिस्टर फाइटर, आपका 24 कैरेट गोल्डन संडे। मैं इसे यहीं रख देता हूं। चलता हूं सर। देखो एक फुटबॉल सुपरस्टार का क्या हाल हो गया है। कोच, मैं समझा सकता हूँ। जिस होटल में आपने मुझे रखा था उन्होंने मुझे धोखा दिया, मुझे कमरे में बंद कर दिया। जिस होटल में मैंने तुम्हें रखा था, पागल हो गए हो क्या? देखिए, मुझे पता है आपने चिट्ठी में लिखा था आप नहीं चाहते ये बाकी सबको पता चले। ओ, तो अब मैंने तुम्हें चिट्ठी भी लिखी थी? बिल्कुल। आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो फिर हमें वो सबूत दिखाओ। वो मेरे दूसरे बैग में रखा है। मुझे पता है तुम्हारे चिट्ठी रखने वाले बैग में। सुनिए, मुझे पसंद है अच्छा खाना, अच्छे अच्छे होटल्स और सबसे अच्छी ट्रेनिंग फैसिलिटीज, पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सुपर स्ट्राइकर्स, दुनिया की सबसे अच्छी टीम। ठीक है दोस्तों, चलो हो जाए 1 2 3 सुपर। आज तुम नहीं खेलोगे। तुम सब मुझ पर यकीन करो, मुझे फंसाया था। ओ अच्छा, पर किसने? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बड़ी वॉटकिंस के बकिंगहम पैलेस डांसर्स का। वो बड़ी का होटल है? शायद तुम्हें सच में फंसाया गया था फाइटर। कोच, आपको मुझे उसे दिखाने का मौका देना होगा। प्लीज मुझे खेलने दीजिए। तुम्हें मिल गया सबसे अच्छा खाना, रहने की जगह और ट्रेनिंग फैसिलिटीज। तो अब वहां जाओ और ऐसा जलवा दिखाओ कि सब देखते रह जाएं फाइटर। क्या? वो यहां कैसे आ गया? लापता फाइटर वापस आ चुका है। पर उसके लिए खेलना आसान नहीं होगा। कॉस्मोस वाले तो फर्स्ट हाफ से भी ज्यादा चौकन्ना होकर खेल रहे हैं। लगता है बड़ी वॉटकिंस आज एक गोल से जीतने वाले हैं। कोई आइडिया है? बॉक्स में बॉल को मुझ तक ले आना, मुझे पता है उनसे कैसे निपटना है। शेक उनसे बचकर निकल गया है। और फाइटर को अब भी काफी काम करना होगा। और क्या बात है, उसने कर दिखाया। ये! फाइटर ने यहाँ भी सबका दिल जीत लिया है। मिस्टर वॉटकिंस, थैंक्स। शहर के सबसे अच्छे होटल में रहना फाइटर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। तुम्हारी नौकरी गई। ये क्या बात हुई? वेगस में हमारी आखिरी रात के लिए बड़ी वॉटकिंस हमें अपने होटल में ठहरा रहा है अपनी तरफ से। ये होटल कम महल ज्यादा है। 24 कैरेट गोल्डन संडेज हो जाए। हो जाए। तुम सब इसके हकदार हो, यहाँ तक कि तुम भी। फाइट फिर से? सच्ची?
हाँ, पता नहीं अब कहाँ चला गया वो। उसने कहा अभी के लिए उसे और लग्जरी नहीं चाहिए। अगर